एवरी वन टूडे वील बी गोइंग टू स्टार्ट विद लेसन नंबर टू रोल ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है हम उसके बारे में आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे सो लेट्स कंटिन्यू विद द लेसन फर्स्ट लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन कंप्यूटर्स हैव मेड आर लाइफ बेटर एंड ईजियर दे आर यूज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ वर्क एंड एट मैनी प्लेस कंप्यूटर्स ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर और बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है If I compare our lives, अगर हमारी को, उनकी लाइफ से जो लाइफ पहले लोग जीते थे जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे उनकी लाइफ से अगर मैं कंपेयर करूँ सो इट्स टोटली डिफरेंट जब उनके टाइम पे पहले के टाइम पे लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं होते थे सो दे ऑवरी थिंग जो भी वो वर्क करते थे वट एवर काइंड ऑफ वर्क द पीपल यूज टू डू एट दैट टाइम दे पुट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन अ पीस ऑफ पेपर द कीप एवरी थिंग द ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ऑफ द इन्फॉर्मेशन वो देयर ऑनपर वो एक पेपर पे सारा रिकॉर्ड होता था एंड देर वारो मैनी ऑप्शन देर वो मैनी चांसेस दैट देपर कैन गेट डिस्ट्रॉयड वो डिस्ट्रॉय हो सकता था लाइक विद दो ऑप्शन लाइक रैट्स रेनी सीजन रेनी सीजन के टाइम पे बारिश से खराब हो सकते थे रैट्स उनको खा सकते थे और इवन देर व सो मेनी चांसिसट द पेपर लॉस्ड और डैमेज या तो ख़ायब हो जाए या वो खो जाए या कुछ भी हो जाए बट हियर इन द कंप्यूटर वैन द कंप्यूटर आर देर सो कंप्यूटर के टाइम पर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है द पीपल यूज टू स्टोर एवरी थिंग रिकॉर्ड्स आर बी स्टोर कंप्यूटर एंड देवर वेरी लेस चांसिस टू बी डिस्ट्रॉय समथिंग चूहे का रेड का और रेनी सीजन का तो कोई चांस ही नहीं है इसमें लेकिन अगर कोई बाई चांस अगर पेपर गायब हो जाता है डिलीट हो जाता है सो एटलीस्ट कंप्यूटर द डिलीटेड पार्ट अगर वहाँ पे उस टाइम पे अगर पेपर कोई खराब हो गया या फट गया कुछ भी हो गया तो उसको वापस से रिकवर करना आर देयर तो अगर कोई फाइल हमसे गलती से डिलीट हो जाती है या लॉस्ट हो जाती है तो हम उसको एटलीस्ट रिकवर तो कर सकते हैं कंप्यूटर हमें यह ऑप्शन प्रोवाइड करता है इसी वजह से कंप्यूटर्स बहुत सारे अलग अलग फील्ड पे चाहे वो बैंक हो हॉस्पिटल हो रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट हों ऑफिस होटल कहीं पर भी या फिर स्कूल्स में भी कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है अपने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इवन मोस्टली पीपल दे यूज़ कंप्यूटर्स एट देयर होम आल्सो घर पे भी वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने होम का कोई भी रिकॉर्ड उसमें स्टोर करके रख सके चाहे वो उनकी पिक्चर्स हों चाहे वो फोटोग्राफ्स हों उनको स्टोर करके रखना हो चाहे कुछ भी हो वो उसमें उसको स्टोर कर करके रख सकते हैं सो ना विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक सो लेट्स सी वॉट कम्स नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट प्लेस वेयर कंप्यूटर्स बींग यूज विच इज़ होम सो होम इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर द स्टूडेंट्स यूज टू स्टार्ट देयर लाइफ सो विल बेटर कंटिन्यू विद द होम सो कंप्यूटर्स घर पर कैसे यूज होते हैं पहले हम वो देखेंगे फर्स्ट टू टाइप टेक्स्ट कोई भी हमें असाइनमेंट्स अगर बच्चों को स्कूल से मिलता है सो so कंप्यूटर्स आर वेरी हेल्पफुल इन कंप्लीटिंग देर असाइनमेंट्स कोई भी असाइनमेंट मिलता है तो उसको टाइप करके उसको कम्प्लीट करके हेल्प करता है कि वो अपना पूरा वर्क उस पर कंप्यूटर पर कर सकें टू डू ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी कंप्यूटर्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है उसको यूज़ किया जाता है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए कि अगर कोई पर्सन एक जगह पर है और उसको कहीं और की चीज़ उसको शॉपिंग करके अगर मंगानी है सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग से कहीं और की चीज़ को अपने घर पे डोर स्टेप पे उसको मंगवा सकता है टू टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर कोई अपनी फैमिली या फ्रेंड्स से अगर कंप्यूटर के थ्रू बात भी कर सकते हैं अगर किसी को बात करनी है तो जैसे कि अगर एक प्लेस पर अगर कोई इंसान कोई पर्सन अगर इंडिया में है एंड द अदर फ्रेंड इज स्टेग एट अनदर कंट्री सो विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर विद द ऑनलाइन चैटिंग एप दे कैन ईजिली टॉक टू ईच अदर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस

गेम्स खेलना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगर किड्स दे यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर वो कंप्यूटर को ज्यादातर गेम्स प्ले करने के लिए भी ज़्यादा यूज करते हैं वेन दे आर स्टेइंग एट होम नेक्स्ट प्लेस कम्स इज बैंक ऑफिस एंड शॉप्स दिस थ्री आर द द्लेस वेयर कंप्यूटर्स आर सो वाई कंप्यूटर्स आर बींग यूज एट दीज थ्री प्लेस लेट्स सी टू टाइप लेटर्स रिपोर्ट्स एंड बिल्स अगर हम किसी भी शॉप पर अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर क्योंकि अगर हम किसी पर्सन ने फिफ्टी uh, शॉपिंग करी है फिफ्टी थिंग्स बाय करी हैं सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द शॉपकीपर टू राइट एवरी थिंग पूरी फिफ्टी फिफ्टी आइटम्स उसको लिखना उसके आगे उसके अमाउंट लिखना फिर उसका टोटल करना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बट कंप्यूटर्स नाउ अ डेज है लाइव ईजियर जैसे मैंने आपको बताया तो विद हेल्प ऑफ़ कंप्यूटर इट पूरे, के, पूरे आप कितने भी के लिए भी को रखा जाता है कंप्यूटर्स शॉपकीपर्स आजकल यूज करते हैं ऑफिस में लेटर्स या रिपोर्ट्स अगर टाइप करनी है किसी को लेटर भेजना है या कोई रिपोर्ट आपको तैयार करनी है कि किसका कितना वर्क हुआ है वो सारा टाइप करने के लिए कंप्यूटर्स ऑफिस में यूज किए जाते हैं नाउ वॉट अबाउट बैंक में किस परपज से यूज होता है टू स्टोर कस्टमर एम्प्लॉय एंड बैंक डिटेल्स बैंक। अगर बैंक में जब भी कोई कस्टमर आता है या वहाँ पे बैंक में जो पर्सन वर्क करते हैं तो उन लोगों की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना बैंक की डिटेल्स को स्टोर करना कस्टमर की डिटेल्स को स्टोर करना चाहे वो इम्प्लॉयज की डिटेल्स हो सबको स्टोर करके रखने में हेल्प करता है बाय चांस कभी बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो या कस्टमर कहीं छोड़ के जाना चाहता है या कुछ भी ऐसा कोई भी इशू आता है तो कम से कम कंप्यूटर की हेल्प से जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो बैंक होल्डर्स हैं वो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं कंप्यूटर्स उनको हेल्प कर सकते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने के लिए टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन ए आज के टाइम पे क्योंकि आप में पता है कि बैंक्स फोर ओ तक ही ओपन होते हैं तो अगर हमें किसी भी इमरजेंसी में अगर मनी निकालना है तो हम बैंक से जाके तो निकाल सकते हैं लेकिन वॉट अबाउट आफ्टर फोर ओ क्लॉक फोर ओ क्लॉक के बाद में क्या होगा अगर किसी को इमरजेंसी है एट बजे रात को आठ बजे अगर किसी को इमरजेंसी है सो वॉट अबाउट दैट पर्सन सो नाउ अ डेज ए टी एम फॉर्म ऑफ ए टी एम इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन दीज आर द विच हेल्प्स ईच एंड एवरी पर्सन टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट वेन एवर दे नीड और वेन एवर दे हैड एन इमरजेंसी ऑफ इट जब भी उनको इसी भी चीज़ की इमरजेंसी है मनी निकालने की इमरजेंसी है तो वो कभी भी किसी भी टाइम पे जाके चाहे वो रात को ही क्यों ना हो वो जाके ए से अपने मनी को विड्रॉ कर सकते हैं सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंप्यूटर ओनली कि आपको जब भी किसी भी चीज़ की मनी की ज़रूरत है तो आप जाइए कार्ड इंसर्ट करिए और आपको आपके मनी निकल जाएंगे उसमें आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है द नेक्स्ट प्लेस काम्स इज रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट जो नेक्स्ट प्लेस आती है कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे कंप्यूटर्स कैसे यूज होते हैं हियर वील टेक दुक ऑफ इट टू बुक एयर टिकट और टू बुक रेल टिकट ये तो फेमस है अगर आपको किसी भी अगर एयरपोर्ट पर अगर आपको टिकट्स बुक कराने हैं दूसरी कंट्री में जाने के लिए या दूसरे प्लेस पे जाने के लिए और इफ़ यू वॉन्ट टू बुक द रेल टिकट्स टू गो फ्राम वन प्लेस टू अनादर सो दंप्यूटर्स आर बींग यूज विच प्रोवाइड्स यू द टिकट द टिकट ऑन अ पीस ऑफ पेपर दे गेट अ प्रिंटेड टिकट पहले तो आपको हैंड रिटर्न टिकट्स मिलते थे जो कि गायब हो सकते थे बट नाव अ डेज दे गिव यू अ प्रिंटेड टिकट आपको प्रिंटेड टिकट मिलता है और अब तो और ज़्यादा मोडिफाई हो गया है कि अब आपको आपके फ़ोन में ही कंप्यूटर के थ्रू मैसेज आ जाते हैं कि आपको आपके टिकट्स मिल गए हैं ताकि अगर जो प्रिंटेड टिकट भी पहले जैसे लॉस्ड हो जाते थे वो अब नहीं होंगे अब आपकी पूरी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स के पास होंगी और आपकी टिकट्स के इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे होंगी तो ये पेपर वाला प्रिंटेड टिकट का वर्क थोड़ा कम कर दिया गया है एंड एनी थिंग एल्स और भी किसी पर्पस के लिए भी कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है सेम टू स्टोर द इंफॉर्मेश ऑफ द कस्टमर्स एंड द इम्प्लॉयज़ यहाँ पर भी क्योंकि इम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं कस्टमर्स आते हैं अपने टिकट्स लेने के लिए तो उन दोनों की इन्फॉर्मेशन को भी कंप्यूटर पे स्टोर करके रखा जाता है दैट विच पर्सन हैज बुकड टिकट फ्रॉम वेयर एंड वेयर फ्रॉम देर ही इज गोइंग टू विच पॉट प्लेस कि वो कस्टमर कहाँ से कहाँ जा रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन भी कंप्यूटर पे स्टोर होती है द नेक्स्ट प्लेस स्कूल दिस इज अ फेमस पार्ट ऑफ एवरी वन लाइफ हर कोई स्कूल से गुजरता है हर कोई स्कूल जाता है सो कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन स्कूल्स टू टीच पहले के टाइम पे स्मार्ट बोर्ड्स और डिजिटल बोर्ड्स नहीं होते थे बट नाउ अ डेट्स द स्कूल्स आर यूजिंग स्मार्ट बोर्ड्स और डिजिटल बोर्ड्स यू कैन से टू टीच इन अ डिजिटली और इन अ स्मार्ट वे एक स्मार्ट तरीके से एक थोड़ा रियालिटी वे से एक वर्चुअल वे से टीच करने के लिए आजकल स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स की फैसिलिटीज़ आ गई हैं जो कंप्यूटर्स के थ्रू वर्क करता है कंप्यूटर के थ्रू आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कोई भी टॉपिक एक ईजी मैनर में और टू प्रिपेयर टेस्ट पेपर्स टेस्ट पेपर्स प्रिपेयर करने हैं तो उसके लिए भी स्कूल्स में कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं टू कीप द फी रिकॉर्ड्स फ़ी रिकॉर्ड्स अगर आपको रखने हैं तो उसके लिए भी आपके कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है वो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है उसके लिए भी कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज हॉस्पिटल्स फोल्डर्स अरेन्ज्ड इन एल्फोबेटिकल ऑर्डर टू ऑटोमेट प्रोसीजर्स एंड ऑपरेशन हॉस्पिटल्स में किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले पहले एक पेशेंट की डिटेल्स को जज किया जाता है फर्स्ट उसको चेकअप किया जाता है कि वॉट काइंड ऑफ डिजीज द पेशेंट इज सफरिंग फ्राम सो वॉट एवर द चेकअप्स आर गोइंग थ्रू दोल द चेकअप आर गोज थ्रू विद दल्प ऑफ द कंप्यूटर्स कम्प्यूटर्स के थ्रू वो सारी मशीन्स बनी हुई होती हैं और उनके थ्रू ही वो सारे चेकअप्स होते हैं जिससे कि पेशेंट के बारे में सारी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाती है दैट वॉट काइंड ऑफ डिजीज द पेशेंट इज सफरिंग फ्राम कि पेशेंट किस डिजीज से सफ़र कर रहा है इवन क्योंकि एक पेशेंट अभी बहुत वन ईयर पहले एक साल पहले अगर वो चेकअप करा के गया है और वो ठीक हो गया है लेकिन फिर भी उस कस्टमर के उस पेशेंट के रिकॉर्ड्स को हॉस्पिटल्स अपने पास रखते हैं ताकि सो दैट इफ़ आफ्टर सम टाइम इफ आफ्टर मैनी लॉन्ग ईयर्स अगर बाद में भी अगर वो पेशेंट उन हॉस्पिटल में आता है सो एटलीस्ट हैव अ बैकअप ऑफ द डिजीज ही हीज़ बीन सफर्ड फ्रॉम एक बैकअप एक बैकअप फाइल वो अरेंज करके रखते हैं कि ये हॉस्पिटल में पहले भी आया है उस नेम से उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसके नेम से हम चेक करते हैं फाइल निकलती है तो पूरा पुराने का डेटा जो भी ओल्ड डेटा है वो पता चल जाता है कि पहले आपको ये डिजीज़ थी अब हम इस तरीके से आपके साथ वर्क करेंगे पहले आपको वो प्रॉब्लम था अब हम आपके साथ इस तरीके से वर्क करेंगे सारी चीज़ें उसमें हेल्प आउट हो जाती हैं ब्रेल कीबोर्ड इवन द हॉस्पिटल्स नाउ डे साइंटिस्ट ने एक ब्रेल की भी अरेंज करा है ब्रेल कीबोर्ड इज़ यूज फॉर दोज पीपल हो आर ब्लाइंड जो लोग ब्लाइंड होते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर्स को नहीं देख सकते हैं कि वन कहाँ है टू कहाँ है थ्री कहाँ है सो so, एक ब्रेल कीबोर्ड भी उनके लिए डिज़ाइन uh, किया गया है सो दैट विद द हेल्प ऑफ द डॉट्स बींग प्लेसड ऑन द कीबोर्ड नंबर्स पे उनकी जो डॉट्स बनाए गए उनकी हेल्प से वो आइडेंटिफाई uh, कर सकते हैं दैट विच नंबर इज़ गिवेन और वो ईजिली उन की बोर्ड्स को उन कम्प्यूटर्स को यूज कर सके मूवीज कंप्यूटर्स यूज फॉर मेकिंग एनिमेटेड मूवीज जो भी एनिमेटेड या कार्टून मूवीज होती हैं उसके लिए भी कंप्यूटर्स आजकल बहुत पॉपुलरली यूज होते हैं स्टडिंग स्पेस कंप्यूटर्स यूज टू स्टडी स्पेस कंप्यूटर स्पेस में स्टडी करने के लिए भी यूज में आता है सेटेलाइट्स और जो भी वेदर है ये सब इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ में आता है सेटेलाइट्स कंप्यूटर्स यूज टू लॉन्च एंड कंट्रोल सेटेलाइट्स जो साइंटिस्ट होते हैं जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं कंट्रोल करते हैं किस तरीके से करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स सैटेलाइट्स एक बार स्पेस में चला जाता है तो वो वहाँ पर क्या कर रहा है उसको कंट्रोल कैसे करना है उस पर वर्क कैसे करना है दैट एवरी थिंग द कंप्यूटर्स हेल्प देम टू टेक ओवर एवरी थिंग उस पर कंट्रोल कैसे करना है क्या करना है वो सब कंप्यूटर्स की हेल्प से साइंटिस्ट करते हैं वर्क फ्रॉम होम लाइक ड्यूरिंग द कोविड नाइन्टीन केस जब सब लोग लॉकडाउन हो गया था सो मोस्ट ऑफ़ द पीपल वैन एवरी वन इज देयर एट होम और जब वो घर से वर्क कर रहे थे सो द कंप्यूटर्स व मेन सपोर्ट फॉर देम उनके लिए मेन सपोर्ट था विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर ओनली द पीपल आर वर्किंग फ्राम देयर होम एंड इट्स वेरी इजी फॉर देम घर से ही वो अपना सारा वर्क कंप्लीट करके सेंड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स तो कंप्यूटर्स घर से वर्क करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बाय सोल्जर्स ड्यूरिंग वॉर टाइम जब वॉर होती है तो उनके लिए भी सोल्जर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हेल्पफुल होते हैं क्योंकि जो उनके मैप होते हैं पेपर्स पे अगर मैप होते हैं तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मैप और पेपर या जो भी है वो डिस्ट्रॉय होने के सो सोल्जर्स नाउ अ डे सोल्जर्स यूज द कंप्यूटर वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं ताकि उनको कंप्यूटर पर ही सारा मैप या कहाँ पर उनको कहाँ पर उनको फाइट करनी है कहाँ पर उनको सोल्जर ज़्यादा सेंड करने हैं वो सारी चीज़ें उनको वहाँ पर पता चल जाती है कंप्यूटर के थ्रू वो पूरा उनका मैप उस पर आ जाता है डिस्प्ले हो जाता है इंफॉर्मेश्स उनकी उस पर आ जाती है अदर्स कंप्यूटर्स यूज टू डिज़ाइन क्लोथ्स कंप्यूटर्स डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है चाहे वो क्लोथ्स हों कार्स या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी ब्रश बॉटल्स बैग्स आपका कुछ भी होता है तो कंप्यूटर्स आर यूज फॉर डिज़ाइनिंग पर्पज़ कुछ भी डिज़ाइन करना है उसके लिए भी कंप्यूटर्स यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स यूज बाय आर्किटेक्ट्स कंप्यूटर्स आर्किटेक्ट्स भी यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स कैसे बनानी है बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए घर का डिज़ाइन क्या होना चाहिए एवरी थिंग वट एवर द आर्किटेक्ट्स आर यूज वो भी कंप्यूटर्स यूज करते हैं कंप्यूटर्स इवन यूज बाय द पब्लिशर वैन द न्यूज़ पेपर्स आर कमिंग सो बिफोर वैन द टाइप एवरीथिंग जब भी कंप्यूटर्स पर वो टाइप करते हैं तो वो सारा न्यूज़ पेपर पूरा न्यूज़ कंप्यूटर पर टाइप होता है एक कलेक्ट बनता है पूरा एक सारी न्यूज एक सबसे अरेंज होती हैं कंप्यूटर्स के थ्रू और फिर उसके बाद उसका प्रिंट निकल के आता है न्यूज़पेपर का वेदर फोरकास्टिंग कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड वाइल वेदर फोरकास्टिंग जब वेदर फोरकास्टिंग होती है कि आज का वेदर कैसा रहेगा कल का वेदर कैसा रहेगा टू अरेउट दीज द कंप्यूटर्स साइंटिस्ट टू नो अबाउट द वेदर ऑल्सो so these are the roles of the computers at many places i want everyone to go through this video very carefully listen each and every point of mine and don't just see that only the points which i have given to you only those points are really important computers are being used by so many people for so many purposes which i may not be able to cover in this video so i want everyone टू गो बियॉन्ड दिस वीडियो ये वीडियो तो देखिए ही देखिए इसके भी बियॉन्ड आप जाइए सर्च करिए अपने खुद के पॉइंट्स कवर अप करिए और मुझे ज़रूर इस वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे मेरे उस पर आप डालिए पोस्ट कीजिए कि आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको लगता है कि वहाँ पर भी अलग अलग प्लेस पे भी इस दूसरे पर्पज़ से भी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे हैं सो बाय द टाइम थैंक यू